नमस्ते सभी को। जैसा कि बताया, मेरा नाम कौशल कौशल किशोर भूटोरिया है। मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश जालौन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एयरफोर्स में 1975 से 96 तक 21 साल नौकरी करने के बाद मैं फिर ग्वालियर में ही सेटल हो गया हूँ। परिवार को उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की है। सूर्य रोशनी में मैं एज ए मैनेजर मैनेजर ऑपरेशन था। उसके बाद एक कॉलेज में एज ए डायरेक्टर भी रहा हूँ। परिवार में पत्नी घर को मैनेज करती हैं और मेरा एक बेटा है जो डॉक्टर है, मनोरोग विशेषज्ञ है। प्रेजेंटली वो एसोसिएट प्रोफेसर साइकेट्री है और HOD है, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर में ही। और पुत्रवधु भी मेरी जो है MPhil इन साइकेटिक सोशल वर्क में है। तो उन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो रोज अपना क्लिनिक में चलाते रहते हैं। नए मरीजों को सबसे पहले काउंसलिंग और वो पुत्रवधु करती है, उसके बाद वो उनको भेजती है डॉक्टर के पास। UHV से मेरा जुड़ना जुलाई में 21 में हुआ, जब राजानंद संस्थान ने अपने जो जिनको आनंदक बोलते हैं उनके साथ एक वर्कशॉप रखी थी, उससे मेरा जुड़ना हुआ। उसके बाद मैंने एक वर्कशॉप खुद ही ज्वाइन करके देखा, तो क्योंकि मुझे पहले से ये कंटेंट्स अपना जाना पहचाना और लगा, तो मैं इससे जुड़ता चला गया। क्योंकि राजानंद संस्थान का भी जो काम है और जो काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही एक ऐसा संस्थान है, उन्होंने एक विभाग ही खोला हुआ है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ही खोला हुआ है, जिसका पूरा वो पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड है। तो उनके साथ जुड़ करके वहां भी जो शुरुआत होती है वो सुख क्या है, आनंद क्या है, इससे ही होती है, उस सेशन से ही होती है। तो ये दोनों चीजें एकदम मिलती गई। जो मैं दो एक्सरसाइज पहले मैं ज्वाइन कर चुका हूँ और उसके बाद ये तीसरी थी, इसको भी मैं ज्वाइन किया हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ज्वाइन करता हूँ। तो जनरली मैं इंग्लिश सेशंस में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूँ, उस बीच में करता हूँ। एक व्यवस्थित जीवन शैली अपना रहा हूँ तो उसमें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। ये दोनों सेशंस में पूरी तरह कर पाता हूँ। एक्चुअली पहले अभ्यास के दौरान विषय वस्तु तो स्पष्ट हो गई थी, पर सूचना के रूप में थी। लगातार जब हिंदी इंग्लिश सेशन अटेंड करता रहा तो स्पष्टता बढ़ी। शुरू से ही मुझे ये प्रपोजल अपना लगा। मान्यताओं के कारण शुरू में विचार आया कि कहीं ज्यादातर लोग तो पैसा कमाने में लगे हैं, कहीं ये भटकाव ना हो। लेकिन फिर जब मैंने इस पे विचार करता रहा और पूरे कंटेंट्स को समझा तो फिर समझ बढ़ी और पूर्ण निश्चय हो गया कि यही करने लायक एक काम है। पहले मैं हर बात घटना को मान्यताओं से तुलना करता था। जो बातें उसके अनुरूप होती थी वह मुझे स्वीकार होती थी, और बातें मुझे अस्वीकार होती थी। पर ये जो सबसे बड़ा जो मिला है तुलना करने का, कि सही समझ को कैसे समझा जाए कि ये सही है, तो उसका जो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मिला है कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस, क्या वो नेचुरली हमें एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेड है कि नहीं, तो वो अब बिल्कुल क्लियरिटी हो गई है, जिससे कि बहुत आसान हो गया है। कि पहले ये था कि हम करेक्शन भी करें तो किस बेस पे करें, सही तो है ही तभी तो मैं कर रहा हूँ, ये मान के चलता था, ये मान्यता थी। लेकिन अब जो रेफरेंस पॉइंट मिला है कि नहीं, आप अपने आप को देखें इस कि ये नेचुरली एक्सेप्टेड है या नहीं, तो ये बहुत आसान हो गया है। कि अब चीजों को मैं उससे जोड़ के जब रिफर करता हूँ और तुलना करता हूँ तो पता चलता चल जाता है, क्लियरली पता चल जाता है। कुछ बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं या उनपे अभी पूरा पूरी तरह मतलब उस पर नहीं रह पाता हूँ, जैसे कि सेल्फ की पिछली यात्रा, या तो फिर मैंने सोचा नहीं इसको अभी ओपन ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो निश्चय है ही कि ये यात्रा तो चल रही है, तो इस पे तो काम हम कर ही सकते हैं, ठीक है। जब समझ बनेगी तो उस पे भी सोचेंगे कि पिछली यात्रा है कि, लेकिन यहाँ इस पे तो पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी यात्रा तो चल ही रही है सेल्फ की जो अभी, और तो इसमें हम तो काम कर ही सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1 और 2 के बारे में थोड़ा कहूंगा।
कि एक्सरसाइज एक में जो बहुत ही सजगता भी बहुत बढ़ गई है, स्वयं से स्वयं को देख पा रहा हूँ। पर हाँ, कभी कभी विचारों में बह जाता हूँ। ज्यादातर कभी कभी जब मैं, मेरी एक जो एक आदत सी है कि कोई भी काम जब मुझे मिलता है तो उसमें मैं बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ उसी के बारे में, उसी में ज्यादातर मेरा चिंतन चलता रहता है। लेकिन हाँ, अब ये इतना फर्क पड़ा है कि मैं वापस आ जाता हूँ। अरे भाई, क्यों इसको सोच रहे हो? ऐसे ऐसे सोचने से क्या होगा? उसका जो है कार्यक्रम बना के उसको खत्म कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक ये कि व्यवस्था में जीना ये सुख है, ये बात जो है बहुत ही अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ, उसको जी पा रहा हूँ कि मैं स्वयं में व्यवस्था में जीने लगा हूँ। वैसे भी मेरा बहुत ही संयमित जीवन शैली है, और तो उसके कारण ये बात बहुत ही जल्दी मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि जब मैं व्यवस्था में होता हूँ तो सुखी होता हूँ, जब मैं अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होता हूँ तो दुखी होता हूँ। ये बात बहुत ही अच्छी तरह मैं समझ पाया हूँ। और व्यवस्थित जीवन शैली और व्यवस्था में संबंध संबंध के साथ लोगों के साथ जीना, परिवार में, समाज में, यहाँ तक तो हो पाया है, शेष प्रकृति के साथ अभी उतनी स्पष्टता नहीं हुई है। हाँ, एक्सरसाइज वन में जो अपने को जिम्मेदार मानने लगा हूँ, पहले मैं दूसरों को जिम्मेदार मानता था और कभी कभी अपने को भी दोषी मान के कचोटती रहती थी कुछ बातें, वो अभी समझ बन गई है। और उसमें जो है कुछ हद तक मैं अपने जो भाव को मैं बदल पा रहा हूँ, मतलब समझ पा रहा हूँ कि नहीं, ये गलत है, ये हम क्यों सोचते जा रहे हैं। जब अपने आप से ये प्रश्न करता हूँ कि क्यों मैं इसमें बहे जा रहा हूँ, तो मैं वापस आ पा रहा हूँ। और एक्सरसाइज दो की बात करें तो स्वयं के द्वारा जो शरीर को देखना है यह बिल्कुल स्पष्ट हुआ है, और ये भी बहुत क्लियर है कि ये जो शरीर और मैं तो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, और इनके बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है और मैं देख पाता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा फायदा इस बात को लेकर हुआ है कि मैं सूचनाओं को जो अर्थ देता था वो जनरली या तो संवेदनाओं के ऊपर आधारित था या मान्यताओं पर आधारित होता था, तो जिसके कारण मैं परेशान हो जाता था। जैसे कि मान लो, जैसे सर्दी का सीजन आया तो कभी कार्डियोलॉजिस्ट या इनकी जो सूचनाएं आ जाती हैं अखबारों में कि बुजुर्ग लोग और ध्यान रखें, यहाँ दर्द हो तो वो करें और वहां दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाएं, ऐसी ऐसी बातें जब आती हैं, तो वो सूचनाएं जो थी वो कभी भी कहीं भी शरीर में, जैसे बाएं तरफ या कहीं ऐसे ही हल्का सा भी दर्द महसूस हो जाता तो मैं वो उसको उससे रिलेट कर देता था, उन सूचनाओं से रिलेट कर देता था, और मैं परेशान होता था कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होने वाला, इस इन सब बातों को लेकर के कभी कभी परेशान हो जाता था। लेकिन अब वो मैं उसको सही अर्थ दे देता हूँ कि नहीं है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी जब हम उस बात को सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, तो नेचुरली वो कुछ उसके सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं। एक और बात है कि मैं मुझमें उतावलापन बहुत रहता था, एंजाइटी के रूप में, और जल्दी बेचैन हो जाता था कोई चीजों को करने के लिए, क्योंकि उसके पीछे कुछ भय टाइप रहता था कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि मैं खुद ही अर्थ देता रहता था उसको और जोड़ता जाता था, जो एक लंबी चेन बन जाती थी उसमें जो है और एंजाइटी मेरी बढ़ जाती। जैसे कि गाड़ी चलाते समय कभी कोई घिसट के निकल जाता था तो बड़ा बड़ा बेचैन होता था, दुखी होता था, या तो मैं स्वयं को दोषी मानता था कि यार इस रास्ते से ना जाके उससे गए होते तो बेहतर था, और या मैं उसको दोष देता था। अब इस बात को लेकर मैं बिल्कुल विचलित नहीं होता हूँ। कि पहले ये मान्यता थी कि यहाँ के लोगों का तो बिल्कुल ट्रैफिक सेंस नहीं है, और लेकिन अब समझ में आने लगा कि वो इनकी अयोग्यता है। और कई बार ऐसा हुआ है, अभी रिसेंटली भी कई बार होता है, तो मैं जस्ट वो बातें आ जाती हैं और मुस्कुरा के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, हो गया स्क्रैच, हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा, आगे देखें कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, इसको लेकर पूर्णता स्पष्टता बनी है।
तथा बोलचाल और जीवन जीने में यह बात ज्यादातर ज्यादा समय रहने लगी है। जो राजानंद संस्थान के सेमिनार वगैरह भी रिसेंटली था, तो बाहर के प्रभाव से मैं वैसे प्रभावित हो जाता था, लेकिन इस बार वहां पर कुछ अभी मास्टर ट्रेनर्स का एक सेमिनार था, करीब पूरे प्रदेश में 109 करीब मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो उनका सेमिनार था। तो उस बीच में मैंने कुछ उनके जो टूल्स हैं यूज करते हैं उनमें मैंने रखा कि इसको हम मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, तो उसका इतना थोड़ा विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो फिर मुझे उसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा, अगर पहले स्थिति होती तो मैं जरूर उनको मतलब दलील देता या अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करता, मैं सिर्फ मुस्कुरा के आराम से बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं। अभी और एक जो फायदा हुआ है वो अभी चिंतन चलने लगा है, यूएचबी का कंटेंट्स कोई भी समय ज्यादातर समय चलने लगे है मन में और मैं दोहराता रहता हूँ, तो उससे बहुत फायदा हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा चेतना के अर्थ में कार्यक्रम तथा शरीर को स्वस्थ रखने का व उसका उपयोग में ध्यान देता हूँ, जैसे मैं आसन प्राणायाम रेगुलरली करता हूँ तो उससे शरीर स्वस्थ रह रहा है, और अपने लिए भी समय देता हूँ, सुबह सुबह मैं समय दे रहा हूँ, मैं आधा घंटे तो मैं रोज बैठता ही हूँ, सेशन शुरू होने से पहले मैं जाग जाता हूँ, तो ये एक प्रक्रिया में है। मान्यताओं पर आधारित जो भी कार्यक्रम हैं उनमें बहुत कमी आई है, सह स्वीकार पर ध्यान आने लगा है, और जो मेरा कमिटमेंट वाली बात है आगे देखें तो मध्य प्रदेश में जो यूएचबी को स्कूल स्तर पर पहुंचाने का कार्यक्रम बना है, यूएचबी के साथ जो मध्य प्रदेश की मीटिंग्स होती हैं उसमें हमारे भगवान सिंह जी और महर्षि जी ये लोग भाग लेते हैं। अभी संख्या तो बहुत कम हो गई है लेकिन फिर भी मैं उससे जुड़ता हूँ, और जो टीचर्स की ट्रेनिंग कार्यक्रम है यूएचबी के रिप्रेजेंट से भी हमारे भैया पहुंचते हैं वहाँ, तो उन कार्यक्रम को इसमें भी सहभागिता करने की इच्छा है कि मैं उसमें कर सकता हूँ, ये मुझे लगता है। और यहाँ पर भी ग्वालियर में भी हम जो कार्यक्रम है वो टीचर्स को के साथ यूएचबी के कंटेंट्स के साथ शेयर करने का एक मन बना है, और उनको भी इसके लिए प्रेरित करना कि वो भी वर्कशॉप को ज्वाइन करें, तो ऐसा कार्यक्रम बना है। और स्वयं पर अभी काम करना अभी बहुत बाकी है, फिर भी चल रहा है, और चूंकि मुझे ये लगा जब मैंने एयरफोर्स छोड़ने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारी अनियमितताएं देखने के बाद मन में विचार आया कि ये कैसे खत्म होंगी, तो मेरे मन में ये विचार आया था कि वो सेम विचार आया था कि स्कूल्स कॉलेज में अगर जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनमें सुधार आ जाए तो जब वो टेक ओवर करेंगे तो एक बदलाव अपने आप समाज में आएगा, ये मेरा पहले से कंसेप्ट था। उसी को लेकर मैंने स्कूल्स कॉलेजेस में सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर के सेशंस लेने शुरू किए, क्योंकि ये विचार आया कि ठीक है सारी अनियमितताएं हैं सारी बुराइयां हैं समाज में लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, तो मुझे लगा कि चलो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको लेकर के ही मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था स्कूल्स कॉलेजेस में। इवन मैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी वॉलेंटियरली गया हूँ और ये काम करने लगा था मैं बहुत पहले से, करीब 10 साल 12 साल पहले से, तो वो चीजें ऐसे जुड़ती गईं। फिर मैं इससे राजानंद संस्थान से जुड़ा तो वहां भी सेम कंटेंट था, फिर उससे जब मैं यूएचबी से जुड़ा तो मुझे बिल्कुल स्पष्टता हुई कि हाँ यही ये करने लायक काम है, अगर मैं कुछ भी जो भी परिमार्जन करना है समाज में तो डेफिनेटली यही एक रास्ता है, तो इसके कारण अब इसमें बिल्कुल ही वो डाउट नहीं है, और ये अब लाइफ टाइम प्रोग्राम है मेरा, और भी कुछ परिवार के साथ जो समृद्धि पे काम करना है वो यही है कि मैं शाम को थोड़ा समय देता हूँ पर
अपने नाती के साथ, क्योंकि वो दोनों लोग क्लिनिक में बैठे होते हैं, तो वो 3 साल का है तो मेरे साथ हम दोनों अकेले ही होते हैं, तो काफी उससे भी जो सीखने को मिलता है वो ये कि उनकी जो सारी स्वीकृति है वो बिल्कुल नेचुरली एक्सेप्टेड है, और जो भी मैं कहता हूँ या करता हूँ वो अनुकरण उनका भी देखने को मिलता है। तो मीन्स अभी से अगर उनको सही तरह से गाइड किया जाए बच्चों को, तो वो आगे चल के डेफिनेटली उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, ये मुझे वहां से सीख मिली है। और स्कूल्स कॉलेजेस में भी मैं काफी पूरे करीब 8-10 जिलों में गया था, मैं खुद ही ड्राइव करके पूरा एक 10-12 दिन का कार्यक्रम बनाया था, तो वहां पे भी ये है बहुत जल्दी वो लोग जो बातें हैं वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो अब जो मेरा पूरा कार्यक्रम है लाइफ का वो यही है, इस पे जितना भी मैं सहभागिता कर पाऊंगा, जहां जहां मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकेगा मैं देता रहूंगा। मैं एक्चुअली जो शेयरिंग है, मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा जो लोग नहीं शेयर कर रहे हैं, कि जब हम शेयरिंग करते हैं तो एक्चुअली बहुत फायदा स्वयं को होता है और दूसरों को होता है, ये मैंने जाना है कि हम एक बार तो पूरा कंटेंट ही थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाता है, और अपने आप को जांचने का बहुत बड़ा एक ये जरिया होता है अगर हम खुद शेयर करते हैं। दूसरा, शेयरिंग के बाद जो दूसरों से हमें प्रश्न मिलते हैं या दूसरों के जो कमेंट्स मिलते हैं उससे बहुत फायदा होता है। तो मैं अभी चाहूंगा कि मैं आगे, तो अब मैं बंद करता हूँ अपना जो शेयरिंग है, मैं चाहूंगा आप लोगों से कि थोड़ा सा जितना भी चाहे पूछेंगे मेरे से या मेरे को गाइड करेंगे तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसके साथ ही मैं उसको विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सुना। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। बहुत ही बढ़िया उपयोगी शेयरिंग रही कौशल भैया की, और उन्होंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए अपनी शेयरिंग में, ये काफ़ी उपयोगी है। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कैसे उनको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इस तरह के समस्याओं से निजात मिला है, से बाहर आ पाए हैं, और उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि मैं क्या अर्थ दे रहा हूँ स्वयं में, जो बाहर से सूचना आ रही है उसको, उस पर उन्होंने फोकस किया। एक मेजर टेक अवे है आपकी शेयरिंग का, तो थैंक यू सर। बधाई, बहुत अच्छी शेयरिंग की थैंक आपने यू। भैया। और मुझे ये भी दिखा कि आपकी जो पिछली शेयरिंग हुई थी और इस बार की जो शेयरिंग है, इसमें काफ़ी फर्क पड़ा है। पहले आपके शेयरिंग में बाहर की बातें ज़्यादा थी, अभी आप स्वयं में काफ़ी देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है बैच 6 में शामिल होने से आपके अंदर एक मेजर जो शिफ्ट हुआ है वो आपके शेयरिंग से निकल कर आया। बिल्कुल। थोड़ा सा भैया, अगर ये भी आप जोड़ें कि अब आप कितना सुख को स्वभाव के रूप में देख पा रहे हैं, कितना प्रभाव, एक बिंदु। दूसरा, अब सुविधा की आवश्यकता की पहचान में क्या फर्क पड़ा है वर्कशॉप अटेंड करने से, मॉर्निंग सेशन अटेंड करने से। और तीसरा, आप आगे के लिए आप अपनी क्या भागीदारी देख पा रहे हैं। जी मैं कहना चाहूंगा, सुविधाएं तो वैसे भी मैं बहुत ही मिनिमम यूज करता हूँ और बहुत ही पहले से ही इस तरह बहुत ही सिंपल और साधारण जीवन जी रहा हूँ। इवन मैं डिफेंस में भी 21 साल करने के बाद बिल्कुल वैसे ही रहा हूँ, तो उधर से तो मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई है मतलब उनको छोड़ने में। और परचेजिंग वगैरह है, इवन मैंने बेटी की शादी की थी तो उसमें मैंने वो पहले से ही ये समझ बनी हुई है कि नहीं फालतू का ये रोड शो जो रोड पे डांस करना हो ये वो, मैंने कहा नहीं, हमारा बैंड रहेगा अगर आपको चाहिए तो ठीक है, लेकिन वही होटल के सामने ही रहेगा, वो रोड पे शो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पहले से ही बिल्कुल सिंपल संयम से रह रहा हूँ, खान पान से लेकर के हर चीज वो तो है। रही बात मेरी जो सहभागिता वाली बात, मैं पूरी तरह अभी समर्पित हूँ, मैं तो ये कहूंगा जहाँ भी यही लगेगा, खासतौर से इसमें तो मैं इन्वॉल्व हो ही सकता हूँ जो मैं समझ सका हूँ, कि जितना भी जो भी UHV के प्रोग्राम राजानंद संस्थान के साथ हैं मैं उसको कर सकता हूँ। साथ में कंटेंट्स की भी बहुत पूरी क्लियरिटी है, क्योंकि मैं जो एक मेरी आदत है कि किसी भी चीज में जाना है तो पूरा कंटेंट्स के साथ, तो मैं पिछले ये जो 1.5 साल का कर से 2 साल का अरसा जो बीता है
इसमें मैं पूरे कंटेंट्स को हूँ, गणेश जी को भी सुना हूँ, बहुत सारे कंटेंट्स को दोबारा, इवन मैं स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भी दिन में रेफर करता रहा हूँ। और उसके लिए मैंने पूरा, जैसे ये एक्सरसाइजेस की इवन अलग से पूरा पीपीटीस भी बना के रखी, उनको फिर मैं क्रमबद्ध देखा हूँ। तो अभी मैं ये है कि कंटेंट्स की पूरी समझ में आ गया है, और ये समझ में आने के साथ साथ पूरी तरह ये मानने लगा, जान के मानने लगा हूँ, ये सबसे बड़ा जो शिफ्ट हुआ है। नहीं तो बहुत सारी चीजें मैं मान के चलने लगता था, लेकिन इसमें ये अलग है कि मैं उसको जान के फिर मान रहा हूँ, फिर वो आसानी से हमें जीवन में चलने में मदद मिल रही है। पहले तो सिर्फ मान्यता मान करके ही चल रहा था, वो बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है कि अभी मैं जान के, जानने का मतलब ये है कि महसूस होने लगे कि हाँ ये है और ये सही है, तो ये इस स्टेज तक पहुंचा हूँ। तो गोपाल जी मैं इतना ही कह पाऊंगा, मैं जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी जैसा भी होगा, मैं अभी समय दे पाऊंगा पूरा। एक दो महीने और मेरी थोड़ी व्यस्तता है, वो जो बेटे का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, फाइनल स्टेज में है, तो उसके कारण। लेकिन मैं फिर भी इसके लिए तो समय रोज 2 घंटे तो समय देता ही हूँ। बीच में भी जो भी कंटेंट्स है, इसको ही मेरा मंथन चलता रहता है अंदर, तो काफी स्पष्टता बनती जाती है बीच में। जैसे ब्रेन, माइंड और मैं, इनको लेकर के थोड़ा बहुत था दुविधा, तो बीच में जो डिस्कशन चला उससे सारी क्लियरिटी बनी। तो वो सारी चीजें हैं, तो जहां भी मैं, आपको लगे कि मैं उपयोगी हूँ, मैं तत्पर हूँ उसके लिए। जी बढ़िया भैया, इनफैक्ट वॉलंटियरिंग का बहुत सारा काम है। अभी देख लीजिए 2 महीने तक थोड़ी व्यस्तता, उसके बाद वॉलंटियरिंग के कामों में आप भागीदारी कर सकते हैं, जो बच्चों के वर्कशॉप हो रहे हैं प्लस जो फैकल्टी के लिए वर्कशॉप हो रहा है हिंदी में। हाँ बिल्कुल, मैं कर पाऊंगा, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं कर पाऊंगा जी। तो बहुत बढ़िया भैया, मेरी ओर से बधाई, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।